मोदानी के खिलाफ लड़ना शुरू किया है, इनको जेल में पहुंचा करके रखेंगे। कई बार अब भाजपा के वर्करों पे गुस्सा नहीं आता है, दया आती है। जैसे अंग्रेजों का कंपनी राज था, ये अदानी राज स्थापित करना चाहते हैं। इसीलिए मोदी और अदानी अलग अलग नहीं हैं, ये एक हैं। और ये मोदानी महाघोटाला है, का पैसा अदानी के खाते में पहुंचाते हैं और फिर अदानी इस देश का रेलवे खरीदेंगे, एयरपोर्ट खरीदेंगे, LIC खरीदेंगे, SBI खरीदेंगे। हमारी आवाज जहां तक पहुंच रही है, आप कांग्रेस पार्टी के बहादुर सिपाहियों को, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं बहनों और नौजवान साथियों से मुझे कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करनी है, कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना है, सिर्फ दो महत्वपूर्ण बात करनी है। सबसे पहली बात तो ये कि आज इस मंच से गर्व के साथ कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता यह कह सकता है कि हमारे नेता राहुल गांधी जिस बात का अंदेशा जताते हैं, जो अनुमान जाहिर करते हैं, आगे जा करके वह बात सही साबित होती है। आप याद कीजिए, जब कोविड की बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि देश और दुनिया पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है और सरकार उस वक्त उनकी बात नहीं सुन रही थी। जब अदानी का नाम घोटाले में आया तब राहुल जी ने कहा कि ये भारत के इतिहास का अनुमानतः सबसे बड़ा घोटाला है। और देखिए कि एक एक करके उसकी परतें खुलनी शुरू हो गई है। तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम सब लोगों को इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमारी पार्टी जिन मुद्दों को उठा रही है, आने वाले समय में पूरा देश उस बात को स्वीकार करता है, पूरा देश उस रास्ते पे चलने का काम करता है। और ये आज की बात नहीं है, चाहे अंग्रेजों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का लड़ने का इतिहास हो या आजाद भारत को बनाने का इतिहास हो, जो कांग्रेस पार्टी आज सोचती है, आगे चल करके देश उसके ऊपर चलता है, इस बात का हमको गर्व होना चाहिए। और दूसरी बात कि यह जो मोदानी महाघोटाला है, इसके बारे में एक बुनियादी बात हम लोगों को समझ लेनी चाहिए। एक सीधा सा सवाल है, आम नागरिक होने के चलते बार बार जब किसी विपक्ष के नेता के ऊपर ईडी की कार्रवाई होती है तो भाजपा के लोग कहते हैं कि अगर आप चोरी नहीं किए हैं तो जांच से क्यों घबरा रहे हैं। आप सब लोगों ने यह बात सुनी होगी, आपने सुनी है कि नहीं सुनी है? टीवी पे भाजपा के प्रवक्ता बैठ करके कहते हैं, जब भी विपक्ष के किसी नेता के ऊपर इनकम टैक्स का रेड हो, ईडी की कार्रवाई हो, तो जो है गाल बजा बजा करके बोलते हैं कि अगर आपने चोरी नहीं की है तो आपको जांच से क्या दिक्कत है। मैं कहता हूं कि अगर आपने चोरी नहीं की है तो आपको जांच से क्या दिक्कत है। एक सीधी सी बात है, अगर मोदानी महाघोटाला नहीं हुआ है तो भाजपा सरकार को संयुक्त संसदीय समिति, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी, JPC से जांच कराने में क्या दिक्कत है। अगर कोई घोटाला नहीं हुआ है, हम भी कहते हैं चलिए विदेश में बैठा हुआ कोई कंपनी ने कोई रिपोर्ट दिया है, आप उसको नहीं मानना चाहते हैं, अरे भारत की संसद तो भारत में है, भारत के सांसदों को तो भारत की जनता ने चुना है, भारत की संसद तो दिल्ली में है, तो उन सांसदों की एक ज्वाइंट कमिटी बना करके, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस की कमिटी बना करके, ज्वाइंट कमिटी बना करके जांच कराने में क्या दिक्कत है। दिक्कत इसलिए है कि आप ईडी का इस्तेमाल करते हैं अपने राजनीतिक विरोधियों को चुप कराने के लिए, आप CBI इनकम टैक्स का इस्तेमाल करते हैं इस देश में लोकतंत्र की हत्या करने के लिए, आपका यह जो झूठ है उसका पर्दाफाश हो जाएगा, देश को पता चलेगा
कि भाजपा ने किस तरीके से, जैसे नेताजी ने कहा था ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नेताजी नहीं कहा था ना, भाजपा जी भी एक बात कहते हैं, तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा। ये पूरा का पूरा जो खेल है कि आप एक गुब्बारा बनाते हैं कि अदानी दुनिया का सबसे पूंजीपति आदमी है, सबसे अमीर आदमी है, और फिर पब्लिक सेक्टर बैंक से पैसा लेकर के पब्लिक सेक्टर खरीदते हैं। मतलब देख रहे हैं, आपका पैसा अदानी के खाते में पहुंचाते हैं और फिर अदानी इस देश का रेलवे खरीदेंगे, एयरपोर्ट खरीदेंगे, LIC खरीदेंगे, SBI खरीदेंगे। और बीजेपी, मैं यह बात दावे से कह रहा हूं, बीजेपी को क्यों डर है? मुझे तो कई बार अब भाजपा के वर्करों पे गुस्सा नहीं आता है, दया आती है। पता है आपको दया क्यों आती है? हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर वोट लिया और अदानी राष्ट्र बनाने के लिए उनको लगा दिया है। देश की हित करते करते ये अदानी हित पे जो है चले आए हैं। ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहते हैं, जैसे अंग्रेजों का कंपनी राज था, ये अदानी राज स्थापित करना चाहते हैं। इसीलिए हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यह खेल समझना पड़ेगा। ये इस देश में लोकतंत्र का घोटाला कर देना चाहते हैं, संविधानिक संस्थाओं को समाप्त कर देना चाहते हैं और धीरे धीरे इस देश के ऊपर तानाशाही थोपना चाहते हैं। इसीलिए मोदी और अदानी अलग अलग नहीं हैं, ये एक हैं, और ये मोदानी महाघोटाला है। कौन सा घोटाला है? मोदानी महाघोटाला है। और JPC की जांच हुई तो भारत के इतिहास का सबसे बड़ा महाघोटाला ये साबित होने वाला है। बेईमानी करके देश की जनता का पैसा ले रहे हैं, शेयर मार्केट में छोटे छोटे लोग, दुकानदारी करने वाले, नौकरी करने वाले नौजवान बच्चे भी मोबाइल से शेयर खरीद रहे हैं, लोग जो है SIP कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, और जब आप पब्लिक सेक्टर का भी जब निवेश कर रहे हैं, वो पैसा भी अदानी के खाते में पहुंच रहा है, तो आने वाले समय में ये गुब्बारा फूटने वाला है। इसीलिए इस देश के छोटे निवेशकों के पक्ष में, इस देश के मिडिल क्लास के पक्ष में और इस देश के गरीब लोगों के पक्ष में कांग्रेस पार्टी की यह जिम्मेवारी है कि देश को आगाह करे और आने वाला जो संकट है उसके खिलाफ मुस्तैदी से लड़ाई लड़ा जाए। इसीलिए अदानी महाघोटाला हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और आज जब दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी आदरणीय देवेंद्र यादव जी के अध्यक्षता में प्रदर्शन कर रहा है, इसी वक्त पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के सिपाही इस महाघोटाला को उजागर कर रहे हैं। और हमारी एक सीधी मांग है कि अगर आपने चोरी नहीं किया है तो आपको जांच कराने में क्या दिक्कत है? आप जांच कराइए, JPC की जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो, और कांग्रेस पार्टी जो मुद्दा उठाती है उसको अंजाम तक पहुंचाती है। कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना शुरू किया, देश को आजादी दिलाई, कांग्रेस पार्टी मोदानी के खिलाफ लड़ना शुरू किया है, इनको जेल में पहुंचा करके रखेंगे, यह हमारा संकल्प है। इसीलिए एक बार पुनः दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी कार्यकर्ताओं, नेताओं को धन्यवाद कहते हुए, आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय